नमस्ते, मैं अभय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष एवं शोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय परिसर कभी पूर्ण रूप से कभी आंशिक रूप से कोरोना के कारण, क्या हम कहें कि कोरोना के बहाने से विश्वविद्यालय परिसर बंद रहा है। विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं ठप रही हैं और ऑनलाइन कक्षाओं की क्या स्थिति है उससे आप सभी वाकिफ हैं। आज मित्रों, देश में कोरोना वायरस महामारी की जो स्थिति है काफ़ी सुधर गई है। केंद्र सरकार द्वारा भी उनके दिशा निर्देशों में ढील दी गई है, जिसके पश्चात देश भर के कई विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय अब खुल रहे हैं, छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है एवं सुचारू रूप से ऑफलाइन पठन पाठन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस स्थिति में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि देश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है, जिसको कि देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए एक लीडर के रूप में माना जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक विश्वविद्यालय खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी के संदर्भ में जो छात्रों की मांग है, छात्र समुदाय की जो मांग है कि विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोलकर ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो, विश्वविद्यालय के छात्रावासों को आवंटित किया जाए, इसी मांग के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल दिनांक 7 फरवरी से कुलपति आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है इन मांगों के साथ। मित्रों, यह मांगे सभी छात्रों की हैं, एक बड़े छात्र समुदाय की है जिसने 2020 में एडमिशन लिया होगा और आज वो तृतीय वर्ष में होगा। अगर वो यूजी का छात्र होगा और पीजी का छात्र होगा तो वह अपने अंतिम वर्ष में होगा। आज जब देश नई शिक्षा नीति पर चलते हुए भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के पथ पर अग्रसर है, इस स्थिति में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को बंद रखना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है। आज मैं आप सभी से अपील करता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वह छात्र समुदाय जो आज बनारस में है, काशी में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, मैं आप सभी से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पुनः पूर्ण रूप से खोलने के लिए, पुनः पूर्ण रूप से सुचारू ऑफलाइन कक्षाओं के लिए एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को पुनः सृजित करने के लिए आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन में सहभागी बने, हमारे साथ आएँ और इस लोकतांत्रिक आंदोलन में, शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होकर विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी बातें रखें, अपनी मांग रखें एवं इस विश्वविद्यालय को पुनः खोलने में हम सभी की